लाली बेटा, तुमने कुछ सोचा रंजू के सिलाई सेंटर के बारे में? माँ, हम सोचते नहीं हैं, जो करना होता है वो करके दिखा देते हैं। उसका नतीजा भी आ जाएगा, बस आप देखती जाइए। आप लोग यहां यहां क्या लेने आए हो? ललिता जी, आपकी दो इच्छाएं थी ना, एक हमारे सर से छत छिन जाए और दूसरा आपके मिश्रा जी वापस आपके पास ललिता निवास पहुंच जाए। देखिए, भगवान ने आपकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी है, हमारे सर से छत भी छिन गई है और आपके मिश्रा जी यहां आपके पास ललिता निवास में भी आ गए हैं। आपको जीत मुबारक हो। हम जानते थे आप हमारे पास जरूर आएंगे, नहीं रह पाएंगे हमारे बगैर। और हम ये भी जानते थे कि ये लोग आपका ख्याल नहीं रख पाएंगे, पर आप चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्यों रंजू मिश्रा, आखिर दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। मिश्रा जी जरा बीमार क्या हुए, तुम्हें बोझ लगने लगे? बोझ? बहुरिया पर 25 साल से निस्वार्थ वो हमारी सेवा कर रही है, अभी तक तो हम उसको बोझ ना ही लगे, फिर ये तो उसका सुहाग है, ये कैसे बोझ लगेगा। और एक बात, हम इतने सालों से अपने वचन के खातिर अपने बेटे से दूर रहे, अब ना ही रहेंगे, बस।